और पीना बस और नहीं। अरे पीने में काय की कंजूसी कर रहा है साला, मैं पी रहा हूँ। हाँ पीना यार पी। पोपट भाई बस और नहीं। अच्छा तो ठीक है, माल लाया क्या? हाँ निकल निकल। ये लो 300 रुपए। अरे तेरे पे पूरा भरोसा है यार। ये साला मगन भाई है ना, कहीं लफड़ा नहीं करते। कम होगी मेरी शादी? बस जरा सा कमली से बात कर लूं, उसके दो चार जोड़ी कपड़े बना लूं, समझ ले तेरी शादी फिट। इसी महीने हो जाएगी? नहीं महीने के बीच में। अरे मगन सेठ, अरे आओ ना यार। मगन सेठ, गली की शादी मेरी बेटी के साथ में फिक्स हो गई है। पहले के 4, आज के 2.5, 6.5 ढीला करो। बेटे गोली, इसको 6.5 दे के ढीला कर दो। मेरे पास कहाँ है, मैंने तो सब। अबे अबे मुंह से बात आ रही है, मुंह बंद कर। मगर से एक काम करो, तुम मेरे हिसाब में लिख लो। ए तुम दोनों इधर आओ। ये क्या गलत करना है क्या? जब तक फोगन में पीने के लिए चलाते अरे इस खातिरदारी का बहुत बहुत शुक्रिया मगन सेठ। बिल दिल्ली को भेज देना, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे को दे देगा। वो दोनों किधर है? चल भाई। चलो चलो मेरे को फेंक देते यार। बोली जी। साला तेरे पास 6 रुपया देने को नहीं था और मेरी बेटी से शादी करने को चला है। समीर मैं तो आपको दे दिए। अरे वो रुपया अगर मैं खर्चा कर दिया और शादी में कमती हो गया तो? अब तू एक काम कर, तू जा मैं सब कर दूंगा। इसी महीने? नहीं बीच में, महीने के बीच में। अब मैं भी बनूंगा दूल्हा। बड़ी लंबी उम्र है मेरी बेटी। आज तेरे को एक दमड़ी भी नहीं मिलने वाली। अरे अगर तू मेरे से रुक जाएगी तो तेरे बाप का गुजारा कैसे चलेगा? तेरी सौतेली माँ मेरे को कुछ नहीं देने वाली। वो भी साली नहीं देगी और मैं भी। तू काम क्यों नहीं करता साला? अरे मेरा बच्चुआ, जब मेरी बिटिया तो फिर मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? ये ले 2 रुपये, कल रात अच्छी कमाई हुई इसलिए दे रही हूँ, फिर मत मांगना समझा। अरे मेरी बात तो सुन, ये गोली बोल रहा था तेरे से शादी करने के लिए। तू उस खड़ू से कितना रुपया लिया साला? 300। चल निकाल निकाल, पैसे मारूंगी निकाल साला। दे दो। साला हरामखोर। गया, मेरे पास और भी है, मेरे और भी है। ये देखो, इधर भी है। ये देखो, ये भी है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम काशीनाथ है, प्रताप सेठ वो खड़े। आप प्रताप सेठ हैं? जी, क्या बात है? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मेरे को आपके साथ में एक संगीन मामले में गुफ्तगू करने की है। कहिए। लेकिन शंकर आर यू में गो? सर मैं पोस्ट ऑफिस हूँ। यस यस सर। और वो चश्मे जो सोफे पे बैठे हैं उनके सामने ही कहिए, वो मेरे दोस्त है। मैं मेरी बेटी कमली को घर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा तो तुम कमली के पिता हो? मैं कमली का बाप हूँ। ठीक है, तुम्हारे सीने में बाप का दिल देकर खुशी हुई। कमली ऊपर कमरे में है, तुम उसे ले जा सकते हो। आंटी। आंटी, आंटी ने सरकार, सरकार आंटी ने सरकार, आप गुस्सा मत होइए, इतने जुलूम मत करिए। हमारी लड़की है, तुम उसे ले जा सकते हो, हम उसे गोद नहीं ले रहे। अरे सरकार आप मेरी बात तो सुनो, इतने जुलूम तो मत करो, थोड़े गरीबों के बारे में भी सोचो ना। अभी कमली आपके घर में रहती है, आप जानिए कमली जाने, उसमें अपन बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने जानबूझकर उसे मेरे पास भेजा है ताकि इसे बहाने मुझसे रुपया ऐंठ सको। मैं बाप, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। बात बाद में सुनूंगा, पहले पुलिस को खबर कर दूं, ये मुझसे रुपया ऐंठने की साजिश है। मैं बाप, मैंने आपको क्या बोला है? मैं बाप, मैंने तो आपसे फुट्टी कौड़ी भी नहीं मांगी। मैंने चश्मे साहब उनसे फुट्टी कौड़ी मांगी? तो फिर क्यों आए हो यहाँ? आप समझदार इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है,
तुम्हें पता कैसे चला गया कमली यहाँ है? सरकार, गुस्ता की माँ हो सरकार, अगर मैं कुछ अर्ज करूं तो मेरी बात मान लो, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान काट लो। कमली मेरी बेटी है और चंपा कमली की सहेली है। उसने चंपा को बोला कि अब वो इधर ही रहेगी। ये सुन के एक बाप के दिल पर क्या गुजरेगी सरकार? तो तुमने ये सोचा कि कमली कहीं फंस गई है? आपको गलत फहमी हो गई है। मैंने कब कहा कि मैं कमली को वापस घर ले जाना चाहता हूँ? सरकार, मैं एक बात सच्ची बोलूं, मेरे को आप बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर आपको कमली पसंद है ना, तो रख लीजिए, मैं कमली को घर में लेके जाके क्या अचार डालूंगा? अरे अपने को तो ये खुशी है कि अपनी बेटी किसी के काम आ रही है। 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे लिए कमली कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम आपकी लड़की को किसी बुरी नीयत या इरादे से नहीं रख रहे हैं। अरे सरकार चश्मे वाले, मेरे को तो तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है दुनिया भर की शराफत इसी घर में है। तभी तो मैंने खाली 500 मांगे, नहीं तो 500 के आगे एक मिंदी लगा के 5000 रुपए नहीं मांगता। तो क्या तुम अपनी लड़की को बेच रहे हो? तुम्हारा अपना कोई धर्म नहीं है, इतने गिरे हुए हो? सच्ची बात तो यह है सरकार, आप लोग मेरे को देखिए, दोनों मेरे को देखिए, हम क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं का मतलब है गरीबी। लेकिन सरकार, मेरे को गरीबी से कोई शिकायत नहीं है, मैं गरीबी में बहुत खुश हूँ। मैंने मेरी बेटी को सरकार अपने खून पसीने की कमाई से पाल पोस के इतना बड़ा किया है। उसको आप लोग ने पसंद किया, उसके लिए 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर है भी तो आप मेरा दिल देखो, मैं आप छोड़ देता हूँ, आपके जो दिल में आएगा आप मेरे को दे दो। मैं साहब, सिर्फ 3 महीने मेहनत करूं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे तो मिनिस्टर बन सकता है और या कोई पहुंचा हुआ गैरवाधारी साथ हो। नहीं 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 सरकार, ऐसी बदवा मत दीजिए। मैंने मिनिस्टर को भी देखा है, साधु को भी देखा है, वो लोग की तो कुर्सी बदलती रहती है। इससे तो हमारी गरीबी अच्छी है, कम से कम एक जगह चिपकी तो रहती है। अगर इसकी और बातें सुनी तो हमारे उसूलों की धज्जियां उड़ जाएंगी। पोपटलाल, हम तुम्हें 500 रुपया देते हैं। ठीक, 500, 1, 2, 3। बराबर है, बराबर है। आपकी बहुत मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी साहब। मैं आप बताइए कि मैं हटूंगा, मेरे को माफ कर ले मैम साहब। अब बंद से साला, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, बोल दिया ना एक बार, नहीं होता। मेरी बेटी साली, तू तो मेरी कमी है, मेरी बेटी है, कमाल कर दिया तूने। सरकार, मेरी बेटी ने मेरी नाक रख ली। सरकार, तू साला खड्डू सीधा क्या कर रहा है? तुम इधर मुंह संभाल के बात कर, ये बड़े साहब लोग का घर है। सरकार, अगर कभी बदतमीजी की ना तो 2 लात मारना इसको। मैंने भी इसको लात मार मार के 5.5 फुट का किया है। अच्छा सरकार, मैं इजाजत लेता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ, शाबाश मेरी बेटी। हट साला हरामी। चुप तू हरामी। बाप का बाप भी पैदा हो गया। दोनों पिताजी। तूने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तेरा ताऊ हूँ, ताऊ, तुझे गोद में खिलाया है मैंने। मेरे को गोद में खिलाया? इसको 5 रुपया दो, नहीं तो गोद वाली पोल खोल दे। क्या बात कर, दो दिन के अंदर ये तुम्हारा 8वां रिश्तेदार पैदा हो गया। अरे क्या करूँ मैं यार, अमीरी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। चुकानी पड़ेगी। पोपट सेठ, ए खड़ूस। अरे कमली, अरे तो मेरी कमली है। मेरे को मालूम था तू जरूर आएगी। जब सारे बगैर रिश्तेदारी के लोग रिश्तेदार बन के आ जाते हैं, फिर ये तो मेरी बेटी है, बेटी। इसको 5.5 रुपए दे दे। ए जबान संभाल कर बात कर। गुस्सा काहे को करती है बेटी? तू तो मेरे को कमा कमा के खिलाती थी, पिलाती थी, 10 रुपए दे दे। तेरे पैसे मैं लूं? मेरी कमाई पर तो तू जिंदा रहा इतने दिन, तो फिर यहाँ क्यों आई? वो तो तेरे साथ में काम खत्म हो गया। अरे क्या काम खत्म हो गया? अरे मैं बोलता हूँ तू जल्दी से वापस वहाँ चली जा। एक तो ये रुपयों ने पहले से मेरे सर पे मुसीबत डाली, ऊपर से वो कैसी मुसीबत?
और जब रुपया आता है तो फिर आदमी शरीफ तो हो जाता है ना। फिर जा वापस कर दे उसे सब रुपये। लेकिन अगर तू नहीं गई तो ये कोट पतलून मेरा बिक जाएगा, और अगर उसने रुपया मांग लिया तो। कौन? वही तेरा यार जिसने मेरे को रुपये दिए, बोलता है अच्छे अच्छे कपड़ा बनाओ, ससुर को भी देगा। कौन शादी करेगा मुझसे? प्रताप? वो प्रताप साला कहाँ से शादी करेगा? उसका वो दूसरा दोस्त है ना, क्या नाम उसका? मैं काशीनाथ। हाँ वही वही वही। तूने उससे रुपये लिए? मैं क्या करूँ, मेरे को प्रताप ने दिए तो मैंने उस पर हाथ मारा। निकाल रुपये। अरे क्या कर तू? को धोखा दिया। अरे क्या कर तू? हिम्मत, तू अपनी आदतों से कभी बात नहीं करेगा। निकाल रुपये। मेरे को मार मत। निकाल मेरे को मार मत। मैं बात करूँ? मैं तेरा बाप हूँ।